सो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है मैं चैनल टीच इलेक्ट्रॉनिक्स पे। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये एक कंप्यूटर साउंड बार का अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ कि ये कैसा है, किस टाइप का इसका क्वालिटी है। और फ्रेंड्स, माफी चाहूंगा कि इस बार जो है हमने 2 वीक तक वीडियो लेट कर दिया, लेकिन शॉर्ट्स हम अपलोड कर रहे थे क्योंकि फ्रेंड्स मैं कुछ एग्जाम वगैरह में बिजी था, इसलिए नहीं बना पा रहा था वीडियो। तो आज की वीडियो में आप लोगों को ये अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा। ये जो है मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था और इसका प्राइस आप लोगों को अराउंड 1700-1800 के आसपास ये पड़ गया था। इसमें MRP तो 7000 का लिखा है, लेकिन ये आपको 2000 अंदर में मिल जाए तो ही ठीक है, और मतलब मिल ही जाता है, उसमें ज्यादातर कूपन वगैरह चलते रहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इसका डिटेल है और काफी अच्छा इसका पैकेजिंग था। यहाँ पे भी टेप था और इसके ऊपर भी एक अमेजोन का डिब्बा था जो कि मैंने पहले ही खोल दिया है। तो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट के इसका अनबॉक्सिंग आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक थर्माकोल भी मिलेगा, वो भी निकाल दिया था मैंने। और ये इसके साथ आप लोगों को कुछ पुस्तकें मिल जाती है, इसको हम देखेंगे अभी। और ये आप लोग देख सकते हैं बॉक्स के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। और ये साउंड बार को अभी हम लोग अनबॉक्स करके देख लेते हैं कैसा टाइप का है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके का आप लोगों को मिल जाता है। पैकेजिंग तो इसका काफी अच्छा था, क्वालिटी भी इसका काफी बेहतरीन लग रहा है देख के। और ये आप लोगों को इसका वारंटी कार्ड वगैरह मिल जाता है, ये देख सकते हैं। इसमें आप लोगों को यूजर मैनुअल मिल जाता है, इसको स्टार्टिंग में पहली बार यूज करेंगे तो इसका कुछ फंक्शन वगैरह इसमें आप लोगों को पता चल जाएगा किस तरीके से काम करता है। और फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये जो है इसका केबल कुछ इस तरीके का है। और इसमें भी ये आप लोगों को चिप वाला सिस्टम मिल जाता है, तो काफी लंबा ये केबल हो जाता है। इसमें आप लोगों को एक ऑक्स और एक USB केबल मिल जाता है। चलिए अभी साउंड बार की तरफ देखें तो ये आप लोगों को एक स्ट्रिप लाइट मिलता है जो कि काफी बेहतरीन ग्लो करता है। और इसका यहाँ पे स्पीकर्स लगे हैं, इनफैक्ट ये इतनी बेहतरीन क्वालिटी का मैं इसको बोल सकता हूँ कि यहाँ से अगर हम लोग फ्लैश लाइट भी मार रहे हैं तो स्पीकर इतना आसानी से इसका नहीं दिख रहा है इसमें कितना स्पीकर लगा है क्या। जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि इसमें 2 ही स्पीकर लगा हुआ स्टेरियो, लेकिन उसका साइज वगैरह क्या है फिलहाल मेरे पास अभी कोई डिटेल नहीं है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कुछ आप लोगों को मिल जाएगा कि ब्लूटूथ कैसे कनेक्शन करना है, ये सब का टिप्स वगैरह है। यहाँ पे आप लोगों को ब्लू डी कंपनी की तरफ से आता है ये स्पीकर, और यहाँ पे आपको उसका ब्रांडिंग मिल जाता है, ब्लू डी कंप्यूटर स्पीकर करके लिखा हुआ है, मैं आप लोग दिखा देता हूँ पास से। और काफी बेहतरीन क्वालिटी का मतलब ये मटेरियल आप लोग देख सकते हैं, बेहतरीन क्वालिटी का आप लोगों को लगेगा। और इसमें इनपुट लिखा हुआ है फ्रेंड्स 5 वोल्ट 1 एम्पियर। मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग 5 वोल्ट 2 एम्पियर या 3 एम्पियर का एडाप्टर इसमें लगाएंगे तो काफी बेहतरीन इसका साउंड आ सकता है। और बाकी आप लोग देख सकते हैं ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ। और यहाँ पे आप लोगों को वॉल्यूम नॉब मिल जाता है, इसमें बटन भी है और ये वॉल्यूम पूरा 360 वाला है, मतलब इसको आप लोग आगे पीछे कितना भी घुमा लीजिए कोई दिक्कत नहीं आता है। यहाँ पे भी छोटे छोटे लाइट्स हैं, आप लोग देख सकते हैं इस साइड भी लाइट है, काफी कूल लगता है ये। और यहाँ पे एक सामने में एक ऑक्स केबल लगाने के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों को इसका टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे इसका वारंटी कोड भी लिखा हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, नीड लाइफ टाइम वारंटी इसमें लिखा हुआ है। तो ये आप लोगों को इसका कोड वो डालना पड़ेगा, मैं तो फिलहाल नहीं किया हूँ, इसको कर लूंगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने एक बार फ्लैश लाइट को ऑफ कर दिया है। यहाँ पे मैं आप लोगों को इसको पावर ऑन करके दिखाता हूँ किस तरीके से इसका साउंड आता है, अभी आप लोग देखेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें हल्का सा एकदम साउंड आया ब्लूटूथ मोड, और अभी ये पेयर भी हो गया मेरे मोबाइल का, ब्लूटूथ ऑन है तो। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ग्रीन कलर का स्ट्रिप और ब्लू, कितना बेहतरीन इसका कलर कॉम्बिनेशन इसमें, मतलब बहुत अच्छा है। इसमें मल्टी LED में कलर आते हैं, मतलब गाना वगैरह के भी हिसाब से। तो अभी मैं NCS का यहाँ पे सॉन्ग प्ले करने वाला हूँ, अभी आप लोग देखें किस तरीके क्वालिटी आ रहा है। मैंने मोबाइल से फुल कर दिया, अभी यहाँ से फुल करेंगे धीरे धीरे। Oh,
आप लोगों ने इसका क्वालिटी देखा कि किस तरीके का इसका साउंड क्वालिटी आ रहा है, तो अभी मैं आप लोगों को अपना बताऊं कि मेरे को इसका साउंड क्वालिटी कैसा लगा। तो अभी देख सकते हैं, जैसे एक चीज इसका फंक्शन मैं आप लोग बता दे रहा हूं। जैसे अभी ये ब्लूटूथ पेयरिंग मोड में, इसको आप लोग कुछ देर तक इसको ऐसे प्रेस करके रखेंगे 3 सेकंड, तो ये वायर मोड में चले जाएगा। मतलब कि इसका ये जो वायर है, अब ये इससे आप लोग साउंड इनपुट देंगे तो काम करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी साउंड क्वालिटी का अगर बात करते हैं किस तरीके का है, तो मैं बोलूंगा फ्रेंड्स 5 वोल्ट के हिसाब से चलने वाला ये एम्पलीफायर है, तो उस हिसाब से इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि 5 वोल्ट 1 एम्पियर सिर्फ से चल रहा है। मतलब आप लोग इसको चाहें अगर, तो आपके पास अगर 3.7 वोल्ट का जो बैटरी आता है लिथियम वाला, उसको अगर किसी तरीके से इसके USB केबल से कनेक्ट कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स एक चीज बता दूं, इसके अंदर बैटरी नहीं है। कई सारे कंप्यूटर स्पीकर में बैटरी भी आता है, इसमें बैटरी नहीं है। और अगर आप लोग इसको बैटरी से चलाना चाहें तो 3.7 वोल्ट का बैटरी आप लोग या फिर पावर बैंक वगैरह से भी आसानी से ये चल जाएगा, और उस हिसाब से इसका साउंड क्वालिटी है। लेकिन मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो बेस जो है एकदम, आप लोग अगर साउंड फुल कर देंगे तो थोड़ा सा आपको डिस्टॉर्शन इसमें देखने को मिल रहा है जरूर। और जैसे कि अभी हमने यूट्यूब से चलाया, तो यूट्यूब में तो ऑलरेडी साउंड कम आता है, आप लोग जानते ही होंगे। कोई और म्यूजिक प्लेयर आप लोग चलाएंगे तो उसमें इसका साउंड थोड़ा सा बढ़ के आएगा। टॉप एंड जो साउंड रहता है उसमें डिस्टॉर्शन है, लेकिन आप अगर दूर से सुनेंगे तो आपको उतना क्लियर डिस्टॉर्शन नहीं सुनाई देगा। और अगर आप लोग इसको कंप्यूटर या लैपटॉप में कनेक्ट करने के लिए ले रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप लोग इसको मोबाइल से भी चलाएंगे तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, और सफिशियंट इनफ साउंड ये प्रोवाइड करता है। आप लोग इसको अगर चाहें तो टेम्परेरी अगर आप लोग कार में भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कीजिए। इस कंप्यूटर स्पीकर के साथ और कौन सा टेस्टिंग करना है आप लोग मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। अगर आप लोग इसके अंदर क्या है वो भी देखना चाहते हैं, वो भी मेरे को बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।